एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो लोग रीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली रीट के अंदर अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 2 लिया हुआ है तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा आज का इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने आज एक और वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। वहाँ पे मैंने आपसे जो है 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, एंड जो ये वाला सेशन है यहाँ पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, एंड यहाँ पे हम कुछ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं साथ के साथ आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी समझाते हुए चलूँगी, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी, एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड अगर आपको अदर वीडियोस देखनी है या कोई अगर टॉपिक आपको लैंग्वेज 2 में देखना है तो मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीट के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ से आप जो सारी चीज़ें हैं PDFs एंड ऑल जो भी है आप उससे पढ़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन को, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एंड आप मुझे बताइएगा कि आप कितने मार्क्स यहाँ पे ला रहे हो, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू। भाई जो प्रॉपर स्पीच हैबिट है उसे हम कैसे इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से इसके क्या क्या हैं। फर्स्ट है वोकैबुलरी प्रैक्टिस, क्विजेस, डिक्टेशंस, प्रोनंसिएशन। तो आपको क्या डेवलप करना है, प्रॉपर स्पीच हैबिट, बच्चों के अंदर बोलना आपको डेवलप करना है। तो सबसे बेस्ट आपका अप्रोच होगा कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप प्रोनंसिएशन पे ध्यान देंगे, उच्चारण, आप अगर बच्चों के उच्चारण पे ध्यान देंगे तो उनका जो स्पीच है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ डिसऑर्डर। इसमें से क्या एक डिसऑर्डर्स का कारण नहीं है। डिसऑर्डर्स में मतलब कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी लैंग्वेज डिसऑर्डर करके, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसमें से क्या एक कारण नहीं होगा। फर्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल कॉजेस। कुछ शैक्षिक कारण हो सकते हैं, आपके संवेगात्मक और आपके जो है आर्थिक सामाजिक कारण हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज, चॉकलेट एंड फास्ट फूड। तो यहाँ पे बी वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, मतलब कि अगर आप टॉफीज का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, खा रहे हैं, चॉकलेट्स और फास्ट फूड अगर आप लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इससे लैंग्वेज का डिसऑर्डर हो जाएगा। लैंग्वेज डिसऑर्डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक उसमें से आपका जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, इसके अलावा पुअर मॉडल हो सकता है, आपने जो है शैली पढ़ाने की अच्छी नहीं है, एक तरह से इन्वायरमेंट उसको अच्छा नहीं मिला। रिप्रेशन का मतलब है कि दबाव बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर अगर आप दे देते हैं स्टडीज़ पे या शुरुआत समय में, या ओवर कंट्रोल अगर पेरेंट्स करते हैं तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक कॉज नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है विच ऑफ दीज इज अ गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब यहां आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल क्या होता है, एप्रोप्रिएटनेस, एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस, फ्लुएंसी या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे आपसे पूछा गया है CLT अप्रोच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक अप्रोच है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में देख लेना बाद में, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप CLT से बच्चों को टीच कर रहे हैं तो आपका फोकस, आपका जो गोल होगा वो फ्लुएंसी भी होता है, एक्यूरेसी भी होता है, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आपसे पूछेगा तो वो भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस का आप यूज़ करवाते हैं, बच्चे की लैंग्वेज यूज़ पे आप फोकस करते हैं, मीनिंग पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है, एप्रोप्रिएटनेस पे भी फोकस होगा कि जो भी वो बोले, जो भी वो लिखे, बेसिकली उसका जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दी अबव विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग। अब ये क्वेश्चन आपका आया है डिफिकल्टी से, ठीक है, डिफ़िकल्टीज जो होती है लर्निंग में इंग्लिश में, उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टी है जो आज के समय में हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट है ओवर एम्फोसिस ऑन ग्रामर, मतलब ग्रामर को ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, लेबोरेटरीज की कमी है, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है एक इंग्लिश में वो सभी के सभी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हर जो है GTM मेथड से ही पढ़ाया जा रहा हो, प्लेवे मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं,
लेबोरेटरी की कमी है, क्लासरूम में लेबोरेटरी नहीं होती है, TLMs नहीं होते हैं, और जो भी टीच करवा रहे हैं वो हम ट्रांसलेशन पे करा रहे हैं, फॉर्म फोकस टीचिंग है, तो ये सब क्या है, एक बैरियर है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन और एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये भी हो सकता है। यूनिट टेस्ट जो है वो किस में आएगा, नॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, अफेक्टिव या इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी हिंदी बताऊं तो देखो, फॉर्मेटिव का मतलब होता है आपका निर्माणात्मक, ठीक है, निर्माणात्मक। दूसरा सॉरी, फॉर्मेटिव निर्माणात्मक है, नॉर्मेटिव का मतलब है आंकिक, एक तरह से आंकिक हो सकता है, इफेक्टिव का मतलब है प्रभावकारी, और इस वाले अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट आपसे पूछा गया तो ये आपका किस में आएगा, ये हमारे फॉर्मेटिव का पार्ट हो सकता है, ठीक है। जब हम फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं या फॉर्मेटिव जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसमें हम यूनिट टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक तरह से अगर मैं बेसिकली देखूं, अगर यहाँ पे समेटिव होता तब आपका आंसर क्या होता, समेटिव ही होता, लेकिन यहाँ समेटिव नहीं दिया है तो आप फॉर्मेटिव के साथ जाओगे, ठीक है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फॉर्मेटिव है उसी में हमारा यूनिट टेस्ट इंक्लूड हो सकता है। हम क्या करते हैं कि बच्चे का यूनिट टेस्ट हर यूनिट के बाद लेते रहते लगातार हम करते हैं, तो ये आपका फॉर्मेटिव का पार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में फॉर्मेटिव नहीं होता तब ये इसका आंसर क्या होता, हमारा समेटिव होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है कि हाईली रिलायबल टेस्ट इज, जो हाईली रिलायबल टेस्ट होता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप, ट्रू एंड फॉल्स या नन ऑफ दीज। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप्स ऑफ टेस्ट से भी पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ टेस्ट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ रिलायबल टेस्ट कह रहा है, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ऐसा टेस्ट जो क्या हो, विश्वसनीय हो, ठीक है। अब कौन सा टेस्ट विश्वसनीय होगा, वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर हमारे काफी सारे आपके टेस्ट आते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, MCQs जो हमारे टेस्ट है, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये भी हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वन वर्ड वाले टेस्ट, जो एक वर्ड वाले आंसर होते हैं, वो भी आपको एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर आपका टिक वाले टेस्ट जो होते हैं, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। तो इनकी एक विशेषता होती है कि सबसे क्या होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय का मतलब है कि ऐसे टेस्ट जो होते हैं ना, वो रिलायबल होते हैं। मतलब अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 100 में से मान लो कि आपके 80 आ गए, ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें टीचर का प्रभाव या बायसनेस नहीं होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है इन टेस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी तीनों ही पाई जाती है एज कम्पेयर टू ऐसे टाइप टेस्ट, ठीक है। क्योंकि ऐसे टेस्ट जो है, इसमें किसी भी तरह का कोई आप मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं, निष्पक्षता होती है, इसीलिए हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं बड़े बड़े, वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलायबल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड आपके वैलिड होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, Who has suggested fourth step of teaching as planning, organizing, leading and evaluation? तो इसका जो आंसर होगा गाइस, इसका आंसर जो है कोई भी ऐसे नहीं माना गया है, इसमें जो है बोनस दिया गया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, तो हम किसी एक के साथ यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही स्किप कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है, क्योंकि बोनस मिला हुआ था इस क्वेश्चन में, आई थिंक इसमें सारे ही होंगे जिन्होंने भी टीचिंग के मॉडल दिए हैं, तो सभी के सभी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आता है कि विच ऑफ दिस इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ रेमिडियल टीचिंग। अब देखो यहाँ आपसे पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन में आपसे कहाँ से क्वेश्चन आया है, रेमिडियल टीचिंग से, ठीक है। अब देखो रेमिडियल टीचिंग में जो स्ट्रैटेजी होती है हमारी, स्ट्रैटेजी का मतलब है कि भाई आप अगर रेमिडी कर रहे हैं, यानी कि जब आप रेमिडियल का मतलब होता है कि आप एक तरह से आपने निदान कर लिया, आप उपचार कर रहे हो, ठीक है, समस्या के कारणों को पहचानने के बाद उसे दूर करने की जो एक प्रक्रिया होती है वो रेमिडियल टीचिंग में आती है। तो रेमिडियल टीचिंग में आप कैसे दूर करोगे, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या आप मेथड यूज करोगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर। रेमिडियल टीचिंग जब हम करते हैं तो एक्शन रिसर्च भी करते हैं एंड प्रोग्राम्ड टेस्ट भी करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एक्शन रिसर्च होता है वो क्या होता है कि आपके सामने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किसी भी विद्यालय में, स्कूल में कोई भी आपके सामने जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम को पहचानना, उसको फिर आप उसको क्या करते हैं, उसका सीमांकन करते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस लगाते हैं, फिर आप टेस्ट करते हैं, फिर आप इवैल्यूएट करते हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के। तो ये एक रेमिडियल टीचिंग की स्ट्रैटेजी हो सकती है, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को दूर करते हो
एंड उसके बाद दूसरा आता है प्रोग्राम टेस्ट, ये आपका जो है स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड है, जहाँ पे बच्चा अपने ही स्वयं की गति से सीखता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जिसे हम कहते हैं। तो दोनों ही जो एक हमारे अप्रोच है वो रेमिडियल टीचिंग के अंदर आता है, याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है द एम ऑफ रेमिडियल टीचिंग इज, रेमिडियल टीचिंग का एम क्या होता है, यानी कि आपसे लक्ष्य पूछा गया है एम, ठीक है। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, टू एलिमिनेट इनएफेक्टिव हैबिट्स, रीटीच इनकरेक्टली लर्न स्किल्स, या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो बनेगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर है वो बी भी होगा सी भी होगा। आप क्या करते हैं, इनइफेक्टिव हैबिट्स बच्चे के अंदर है, बच्चे ने कुछ गलत सीखा, मान लो कोई एरर है, इनइफेक्टिव कोई हैबिट है उसकी, आप उसको हटाते हो, एलिमिनेट करना एरर्स को, बिल्कुल ठीक है। एंड रीटीच इनकरेक्टली लर्न्ड स्किल्स, आपने जो चीज़ बच्चों को सिखाई अगर उन्हें नहीं समझ में आया तो आप उसको दोबारा से सिखाते हैं। तो यहाँ दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे। जो ए वाला है ये हमारा किसके अंदर आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, जब आप डायग्नोस करते हो, मतलब निदान जब हम करते हैं, पहचान जब हम करते हैं समस्या की, तो वो हमारे डायग्नोस का पार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप इतना मान के चलो कि इसमें से आपके दो जो प्रश्न है वो जरूर से जरूर बनेंगे, ठीक है। अब समझना इसको, अगर आपको समझ नहीं आया, बहुत आसान प्रश्न है ये। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये एक पोएम की लाइन है, ठीक है, पोएम, ये एक पोएम दी हुई है, इसमें आपको बताना राइमिंग स्कीम क्या होगी, ये ऑप्शंस है, ठीक है। अब ये ऑप्शन को बिल्कुल भूल जाओ, और यहाँ पे देखो, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब आप देखो, कोई भी आपसे लाइन पूछी गई है, एनीथिंग, आप उसकी लास्ट वाली लाइन देखो, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये सब समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप जो लास्ट वाली लाइन है उनको देखो, पहला है वेयर, फिर दूसरा है माइन, थर्ड है साइन, फिर एयर, फिर डिजाइन, फिर शेयर, बस इसमें ही आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले जब हम राइमिंग स्कीम करते हैं तो सबसे पहले कोई भी वर्ड आएगा ना, कोई भी एनीथिंग, आप सबसे पहले ए लिखोगे, क्या लिखोगे, ए, ए से स्टार्ट करेंगे, जैसे एबीसीडी होती है वैसे ही। अब देखो, पहला वर्ड है वेयर, वेयर, अब अगली लाइन देखो, अगली लाइन सेम है क्या, वेयर माइन, वेयर माइन, वेयर और माइन दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको बी कर दो। अगर आपको सेम नहीं लग रहा तो अगले वाले लेटर पे आ जाओ, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो वेयर और माइन सेम नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइन को बी कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, वेयर माइन। अब माइन के बाद अगला वर्ड क्या है, साइन, माइन साइन, तो सेम है, साउंड सेम आ रही है, माइन साइन, माइन साइन, तो बी कर दो, सेम है तो बी करेंगे, मतलब कि आपको अगर साउंड सेम लग रही है तो आप सेम लेटर लिख दोगे, ठीक है। अब वेयर माइन साइन, उसके बाद एयर, एयर, अब एयर किससे रिलेटेड है, वेयर से रिलेटेड है, हमें लग रहा है वेयर एयर, वेयर एयर, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, ए आएगा, फिर से ए आ गया। अब डिजाइन, डिजाइन, अब डिजाइन देखो, वेयर माइन साइन एयर डिजाइन, अब डिजाइन किससे रिलेटेड है, साइन से रिलेटेड है, तो आप इसको बी कर दो फिर से। उसके बाद शेयर, शेयर, तो वेयर एयर शेयर, सेम है, साउंड सेम आ रही है, तो ए कर दो। बस यही आपको करना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाले वर्ड देखो और सेम सेम स्कीम कर दो। अगर मान लो कि लास्ट में कोई और वर्ड आया, मान लो कि आपका, मान लो आया बिट फॉर एग्जाम्पल, तो ये बिल्कुल ही अलग है ना, तो आप इसको सी कर दोगे। इसी तरह से हमारी राइमिंग स्कीम चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा, देख लो आप कौन सा है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए बी बी ए, ए बी बी ए बी ए, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, लाइन है, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव कंटेन्स। अब ये साइलेंस सराउंड्स अस में क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, सिमिली है, या पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि भाई जो आपके व्यंजन ध्वनियाँ हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वो हमारे लाइन में होते हैं, जैसे कि एस और एस, ठीक है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बाकी के भी बताऊं, तो जैसे कि आप देख रहे हो एसोनेंस, एसोनेंस जो होता है वो होता है आपका, जिसको हम स्वर साम्य कहते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर साम्य, ये आपका स्वरों से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो साउंड है ना, वो आपके वॉवल साउंड होते हैं, जब आप वॉवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, सेम वॉवल साउंड आ रहे हैं, तो आपका एसोनेंस होगा।
और सिमिली क्या होता है, जहाँ पे आपका लाइक एंड एज करके अगर होगा तो वो आपका सिमिली होता है। पर्सोनिफिकेशन मतलब आपका जिसको हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं, ठीक है, जो जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज से शो करते हो वो आपका पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, तो ये चारों पांचों जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक से दो जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये जो आपको एक सेंटेंस दिख रहा है इसमें आपका क्या आना चाहिए, कैन आना चाहिए, मे आना चाहिए, कुड आना चाहिए या मस्ट आना चाहिए? तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है गाइस, अगर आपको देखनी है तो आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा देखो क्या होगा, मस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों कहा गया मस्ट, क्योंकि देखो बात कही जा रही है कि भाई सबको फॉलो करना ही चाहिए। तो जब आप किसी चीज को बाध्यता दिखा देते हो, जब आप ये बोलते हो कि ये करना ही है आपको नो मैटर व्हाट, तो वो आपका मस्ट में आएगा। ठीक है, अब मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, मस्ट होती है। ठीक है, ये याद रखना है। और कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रामेटिक मोनोलॉग अ टेक्निक ऑफ ड्रामा इज अ। अब आपको यहाँ बताना है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, एक जो ड्रामा की टेक्निक होती है उसमें क्या शामिल होता है। फर्स्ट है डायलॉग विद सेल्फ बाय द कैरेक्टर, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कैरेक्टर है, जो प्ले एक्टर है, वो खुद से ही डायलॉग बोलता है। इट इज फॉर ऑडियंस, वो ऑडियंस को बोलना चाहता है, ये भी ठीक है। इट एक्सप्रेसेस माइंड एंड इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑन द स्टेज, बिल्कुल ठीक है तीनों ही वर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑल ऑफ द अबव है वो करेक्ट आंसर होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, मोनो का मतलब होता है कि भाई एक, अकेला। तो जब एक एक्टर अकेले ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है टू द ऑडियंस एंड वो क्या करता है, अपने इनरमोस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, तो वो आपका एक मोनोलॉग का टाइप होता है, जहाँ पे वो सिर्फ वो जो एक पर्सन है वही बोल रहा है, बाकी और कैरेक्टर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द इंग्लिश सोनेट हैज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको मैं समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, इंग्लिश सोनेट में क्या, कितनी क्वाट्रेंट्स और कितने कपलेट होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, बहुत आसान है। इसका करेक्ट आंसर मैं पहले बता देती हूँ, इसका होगा हमारा आंसर 3 quatrains and 1 couplet। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसको मैं थोड़ा ईजी कर देती हूँ। इंग्लिश सोनेट आपका पता है, सोनेट पहले तो मैं सोनेट बता दूँ, सोनेट हमारी जो होती है वो 14 लाइन की पोयम होती है। कितनी लाइन, 14 लाइन्स होते हैं सोनेट में। सोनेट बेसिकली आपका दो प्रकार का आप बोला गया है, एक आपका होता है इटालियन और एक होता है आपका इंग्लिश, जिसे हम शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब आपसे इंग्लिश में पूछा गया है, तो इंग्लिश में क्या होते हैं, 3 quatrains होते हैं और 1 क्या होता है आपका कॉपलेट होता है। इसका मतलब देखो क्या है, 3 quatrains का मतलब है कि आपकी एक राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, क्या होती है, अभी हमने जो राइमिंग स्कीम किया था वैसे ही इसमें भी होता है, मैं थोड़ा लिख के बता देती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ए बी ए बी, ये आपका 1 quatrain हुआ, उसके बाद ए बी ए बी, सी डी सी डी, उसके बाद ई एफ, उसके बाद जी और जी, ये आपका क्या है, ये है जो अभी मैंने ऑप्शन, ये जो हमारा आंसर है ये है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जो आपका एक सेम स्कीम दिखा रहा हो। ठीक है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या है आपका, ये कॉपलेट होता है, जिसे हम दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा हिंदी में। ठीक है, अब ये कॉपलेट में लाइनें कितनी होती है ये भी समझना, 3 quatrains हो गए सेम। ठीक है, हर क्वाड्रेंट में कितनी लाइन होती है, 4 lines होती है, जैसे ए बी ए बी 1 line, सी डी सी डी 2 lines, ई एफ ई एफ इसमें भी 4 lines, इसमें मतलब इन तीनों में क्या है, 4 lines हैं, और जो लास्ट वाली लाइन होती है इसमें 2 lines होती है। कॉपलेट में 2 lines होती है। ठीक है, और ये है क्या जो मैंने लिखा, ये वही है जो हमारी पोयम में राइम होती है ना, वो है। ठीक है, तो इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है गाइज, अभी बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, अगर पूरी वीडियो आपको देखनी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, इस तरह से शेक्सपियरन सोनेट होता है, 3 quatrains and 1 couplet होता है, हर क्वाड्रेंट में 4 lines होती हैं, 4 4 lines, और जो कॉपलेट होता है उसमें आपका 2 lines होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एलिजी इज अ, अब आपको बताना है एलिजी क्या होता है। ठीक है, फटाफट से देखेंगे, मॉन्ड्रिंग और लेमेंटेशन पोयम, लेमेंटेशन का मतलब होता है शोक या जिसे हम विलाप कहते हैं, क्या ये होता है, फॉर्मल होता है, सस्टेन्ड पोयम होती है, तो बिल्कुल ठीक है ये भी।
थीम होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, कोई स्टैंजा मीटर या आयम्बिक पेंटामीटर यहाँ नहीं होता है. तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव विल बी राइट आंसर. एलिजी बेसिकली आपका क्या होता है कि किसी की जो डेड हो जाए मृत्यु पर, जो मृत्यु पर लिखी जाने वाली, ठीक है, मृत्यु पर लिखे जाने वाली क्या होती है, कविता होती है. बेसिकली जो सैड आपकी पोयम होती है किसी के डेड पे, डेड मतलब डेथ होने पे, तो वो आपका एलिजी में आता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर. अगला देखेंगे, व्हाट डज द वर्ड डिप्थोंग मीन. अब देखो इसको भी समझा देती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी समझ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन को इजिली कर लोगे. ठीक है, देखो डिप्थोंग पूछा है, डिप्थोंग का मतलब क्या होता है. तो डिप्थोंग का यहाँ पे मतलब होता है हमारा टू साउंड. ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उससे पहले ये जो अगला वाला क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं. ठीक है, मोनोफथोंग्स कितने होते हैं ये पूछा गया है. मोनोफथोंग्स और डिप्थोंग दोनों अभी समझाऊंगी. मोनोफथोंग्स हमारे टोटल होते हैं 12. ठीक है, और अगर आपसे डिप्थोंग पूछेगा तो क्या होंगे, 8 होंगे. अब थोड़ा सा इसको समझना, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में अगर आपसे टोटल साउंड्स पूछेगा तो आप बताओगे 44. कितने, 44 में से आपके 20 जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं और आपके जो 24 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है, अब ये 20 वॉवल कितने हुए, इसमें भी दो आपके आते हैं, बेसिकली दो आते हैं. पहला आता है आपका डिप्थोंग और दूसरा आपका आता है मोनोफथोंग्स. ठीक है, मोनोफथोंग्स. अब देखो डिप्थोंग जो होते हैं उनकी संख्या 8 होती है प्लस मोनोफथोंग्स की संख्या 12 होती है, दोनों मिलके 20 वॉवल बनाते हैं. ठीक है, अब डिप्थोंग को हम और बहुत सारे नाम से जानते हैं. सबसे पहले इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग वॉवल या ग्लाइड वॉवल भी कहते हैं. ठीक है, दूसरा इसे हम इम्प्योर वॉवल कहते हैं. ठीक है, ये याद रखना, इसे हम डबल वॉवल साउंड कहते हैं, ये भी याद रखना. ठीक है, ये सब डिप्थोंग के नाम है. मोनोफथोंग्स अगर आपसे पूछेगा तो इन्हें हम प्योर वॉवल कहते हैं, ये हमारे सिंगल वॉवल होते हैं और इसे हम एक तरह से सिंगल वॉवल या वन जिसमें आपका ध्वनि आए, वन एक स्वर वाले जो आपके वॉवल्स होते हैं वो होते हैं. टोटल 12 होते हैं मोनोफथोंग्स और 8 डिप्थोंग्स होते हैं और टोटल क्या कितने बने, 20. तो ये सब आपका आपको याद रखना है. ठीक है, इंग्लिश में आपसे टोटल साउंड्स पूछेगा, फोनेटिक साउंड, तो 44, वॉवल्स पूछेगा 20, डिप्थोंग पूछेगा 8, मोनोफथोंग पूछेगा 12 और कॉन्सोनेंट्स साउंड पूछेगा कितने होते हैं, तो 24 होते हैं. ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे. ओके, 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. अभी देखो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या चीजें आती हैं वो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आ रहा तो ऑप्शन पढ़ लिया करो. ठीक है, देखो पहला है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, दूसरा स्ट्रेटेजिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. सोशियो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि आपका जो, जिसमें आपका सोशल और प्लस आपका लिंग्विस्टिक, यानी कि आपका जो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है, तो दोनों चीज़ें होती है कम्युनिकेटिव में. भाई हम सोशली बात करते हैं और हम जो है इंग्लिश के स्किल्स भी सीख रहे हैं, तो सोशियो लिंग्विस्टिक तो हो गया. ठीक है, वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि हम समाज में सीखते हैं. डिस्कोर्स होता है, बिल्कुल ठीक है, डिस्कोर्स आपका वर्ड्स हैं या यूज है, वो सारी चीज़ें आ जाती है. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में आपका जो है कम्युनिकेटिव में बेसिकली आपका ऑल ऑफ दीज आएगा. अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड. डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि देर से होने वाला एक विकास जो है, भाषाई विकास में क्या शामिल होगा, डेफिशिएंसी उसको कहेंगे, अफेजिया कहेंगे, डम्बनेस कहेंगे या हैंडीकैप कहेंगे. तो आप एक बात बताओ, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो रहा है या अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो क्या उसको हैंडीकैप हो गया, नहीं होगा, क्या वो डम्ब यानी गूंगापन आ गया, नहीं. यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर अफेजिया होगा. अफेजिया क्या होता है, देखो अफेजिया जो है वो हमारी स्पीच रिलेटेड होता है. ठीक है, स्पीच रिलेटेड आपका एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी बात को दूसरों को प्रकट नहीं कर पाता है, उसे एक शब्द नहीं मिल पाते या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये आपका अफेजिया है. ठीक है, अफेजिया में आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, बिल्कुल इनएबिलिटी
आ जाती है व्यक्ति को, और इससे रिलेटेड एक और वर्ड आता है जिसे डिसफेजिया कहते हैं। तो डिसफेजिया अफेजिया सेम ही है, डिसफेजिया में फ़र्क ये है कि आप उसको सही कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस अगर अच्छे से दोगे तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन अफेजिया में कम्प्लीटली एकदम लॉस हो जाता है स्पीच का या कम्युनिकेशन में या बोलने में, ठीक है। तो वो आपका अफेजिया है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वॉवल साउंड। अब आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सेम वॉवल साउंड है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहा है, याद रखिएगा। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, किट बीट टाइट, बहुत आसान है, ठीक है, किड बीट टाइट, ये अलग है सारे, एक भी सेम नहीं लग रहा। डीप कीप स्वीप, ओके। अगला चीप कीप, तो चीप कीप अलग है। शिप चिप, शिप चिप अलग है, तो हमारा क्या बना, बी ऑप्शन बना, ठीक है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन इजी भी आते हैं, कई बार टफ आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करनी, आप इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड भी पूछा जाता है, तो अगर आपको अदर वीडियो देखनी है तो देख लेना, चैनल पे बहुत सारी बनाई है, एक ही प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ओके। और कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको बताना है, कुछ भी सजेशन देना है तो आप मुझे दे सकते हो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, थैंक यू सो मच।